जान लेते हैं। मंदो खेल साहब, आपने भी सुनी होगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस राणा सनाउल्ला साहब की, उन्होंने तो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी नवाज़ साहब बन जाएंगे वो पहले अनाउंस हो चुका। अब उन्होंने कौम असम्बली की नशस्तों की तादाद भी बता दी और अब नून लीग कह रही है पीपल्स पार्टी की उम्मीदों पर औस पड़ चुकी है। तो पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें फिर कंपेन तो अब उनको करने की जरूरत नहीं रही कि पंजाब के अंदर भी और मरकज के अंदर हुकूमत नून लीग की अनाउंस हो चुकी है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। किसी कैंपेन की जरूरत नहीं है, किसी इलेक्शन की जरूरत नहीं है। 54 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक शख्स जो अदालतों से नायल हो, सजाए याफ्ता हो, और वो लंदन में बैठ के दावा करे कि मैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनूंगा, और आज राणा सनाउल्ला साहब ने 125-120 सीटों का दावा किया है, तो क्या जरूरत है इलेक्शन कराने की? चीफ मिनिस्टर भी इनका है निगरान, और निगरान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान के भाई ने जो है ना वो शमूलियत की नून लीग में, और काकड़ साहब तो पहले ही ख्वाहिश जाहिर कर चुका है। तो आप ऐसी सूरत में क्यों फजूल के इलेक्शन कमीशन एक्सरसाइज कर रही है इलेक्शन का? ये ड्रामा बंद कर ले और एडिट जारी कर दे सजा याफ्ता वजीर आजम और चारों सूबों के वजीर आला इनकी, अल्लाह अल्लाह खैर सला। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि मेरी बहन जो बताए कि ये क्यों रोने पीटने पर उतर आई पीपल्स पार्टी, रोने पीटने पर नहीं है। हम उन कुतों को जिनको कल परसों तक आप बदले ले रहे थे, गालियां दे रहे थे, क्या आप उस बात पे आप कायम हो कि नहीं हो, उनको बताना चाह रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन को बताना चाह रहे हैं कि आप जो अभी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है और आपने तरक्याती कामों पाबंदी लगा ली सिंध में, आपने ट्रांसफर पोस्टिंग में पाबंदी लगाया जो कि आपका आईनी और कानून कोई हक नहीं जब तक आप शेड्यूल अनाउंस करें। निगरान हुकूमत ने सिंध के तमाम ब्यूरोक्रेसी को और ट्रांसफर कर दिया और तरक्याती काम मेरे स्कीम है पानी का, मेरे हल्के का जो शहबाज शरीफ साहब का और मिफ्ता इस्माइल का भी हल्का है, वहां 50 करोड़ पानी के लाइनों का 2 साल से वो टेंडर पेंडिंग है, उसको भी रोका गया। दूसरी तरफ पंजाब की निगरान वजीर आला के तरक्याती काम चल रहा, उसको भी छोड़िए। अभी पिछले 10 दिन पहले वजीर आजम निगरान हुकूमत ने 29 अरब रुपए जो है ना वो तरक्याती काम मंजूर किया। आप मुझे बताओ कभी आपने जिंदगी में देखा कि निगरान वजरा काबिना भी तरक्याती जो अभी पैसे जारी हो रहे हैं तरक्याती मंसूबों के लिए, जब आप पीडीएम का हिस्सा थे उस वक्त आपने एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, उसी तरमीम का सहारा लेकर अब सारे काम हो रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को ऑनरशिप तो लेनी पड़ेगी सारे इकदाम की। अच्छा, अवल तो तरमीम सारे काम के नहीं थे, तो अगर आप समझ रहे हो कि सारे काम तरमीम का, तो फिर हार्डनेस जारी कर देना। वो ऑन गोइंग मंसूबों को उसमें डाल दिया, उसके अब अंडरकवर सब कुछ चल रहा है। एक बात अब अगला सुन ले सोहेल साहब, अब मुझे एक बात बताओ, मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं वकील हूं सुप्रीम कोर्ट तक, आप मुझे बता दे एक नायब शख्स सजा याफ्ता, मैं नहीं कहता उसका केस सच्चा है, मुझे बताओ। वो तो आइंदा हफ्ते खत्म हो जाएगा सर, 21 को समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, समाअत तो देखी जाएगी, समाअत भी ऐसे होगा जैसा अभी आप लोग बातें कर रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ पाकिस्तान का हाई कमिश्नर किस कानूनी अखलाकी और आईनी हिस्सियत से वो एक सजा याफ्ता शख्स मिले? नंबर एक बात, किस कानूनी और आईनी हिस्सियत से एक डीआईजी बेशर्मी से पाकिस्तान की वर्दी पहन के हल्फ लेके वो एक मुजरिम को सल्यूट कर रहा है, फिर नादरा का स्टाफ एयरपोर्ट पे जाके उनसे अंगूठे ले, जरा आइए ना जेलों का दौरा कर ले, मैं आपको ग्वादर ले चलता हूँ, मैं आपको बलूचिस्तान ले चलता हूँ, आपको कराची ले जाऊँ, वहां बड़े बड़े मुजरिम बैठे हुए, मुजरिम नहीं बल्कि छोटे छोटे मुजरिम है जो साइकिल चोर बकरी चोर हजार, उनको भी ये बेशर्म डीआईजी जो ना सल्यूट कर, इसकी वर्दी तो पहले दिन उतारना चाहिए। मैं ये सारी बातें इस वजह से कर रहा हूँ, इलेक्शन हारने के बाद हर पार्टी इल्जाम लगा रही है, हम तो 3 महीने पहले ये सारे आईना दिखा रहे कि अगर आपने ऐसे इलेक्शन कराना हो तो ये फजूल के एक्सरसाइज बंद। ठीक है।